स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद जेके सर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे आपकी वर्कशीट नंबर 69 सब्जेक्ट इंग्लिश। जो आज आपकी वर्कशीट आई है वो सब्जेक्ट इंग्लिश की है और क्लास 6 to 8 के लिए है। तो इसमें आज की डेट 23 तारीख है और इसमें आप अपना स्टूडेंट्स नेम अपनी जगह अपने जगह नाम लिख देंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर वहाँ पर आपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। अब आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें 3 वर्ड दिए गए हैं, हु, व्हाट और वेयर। ये जो है क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड हैं और इनसे ही हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को बनाते हैं। तो इस शीट में, वर्कशीट में आपको यही बताया गया है कि हु का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और व्हाट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं और वेयर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आप बारी बारी से हम आपको बताएंगे और फिर इनका ये भी बताएंगे कि इनका कैसे प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हु, WHO। हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स कौन। इसमें लिख रहा है इस बॉक्स में, इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल और पर्सन। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति और लोगों के बारे में जानने के लिए किया जाता है। सेकंड जो ब्लॉक है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, व्हाट मीन्स क्या, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसके साथ भी, तो जाहिर सी बात है ये भी क्वेश्चन मार्क के लिए ही उपयोग किया जाएगा। इसको कहते हैं इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग पीपल एनिमल ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब ये किसके लिए किया जाता है, स्पेसिफिक थिंग किसी विशेष वस्तु के लिए, लोगों के लिए, एनिमल ऑब्जेक्ट पशुओं के लिए या ऑब्जेक्ट किसी भी के लिए प्रयोग किया जा सकता है उसके बारे में जानने के लिए। व्हाट मीन्स क्या, ठीक। इस प्रकार से आप हु और व्हाट को हमने डिफाइन कर दिया है कि इनका मतलब क्या है, कि कैसे यूज होता है और इनका मतलब क्या है। अब तीसरे नंबर पे आता है अपना वेयर। जो वेयर होता है, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेस पोजिशन। यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसी स्थान के बारे में और पोजीशन मीन्स स्थिति के बारे में जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप अपने जब सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बनाएंगे, तो उनमें इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है और हम मोस्टली अपने लाइफ में यूज़ भी करते हैं। इसके अलावा शुरू करते हैं आगे। अब टास्क ए बता रहा है, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर। आप अपने फैमिली मेम्बर के बारे में लिखिए और जिन्होंने दिया है येलो में हु, हु मतलब कौन। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 बोलना है, इट इज़ द टालेस्ट इन द फैमिली। आपको ये लिखना है कि आपके फैमिली में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है माई फादर, ठीक। और आप समझ सकते हैं कि कोई और भी है तो उसको भी बता सकते हैं। तो आपके पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, जो भी हो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी है, आप फर्स्ट वाले में लिख सकते हैं कि आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। सेकंड नंबर, वियर्स स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब जो चश्मा होता है, नज़र वाला चश्मा होता है, उसको बोलते हैं। कि आपके घर में चश्मा कौन पहनता है, ठीक, नज़र वाला, हु वियर्स स्पेक्टिकल्स। तो मैंने लिखा इसमें माई ग्रैंडफादर, मेरे दादा, या फिर आपके संबंध जो भी हो उसको लिख सकते हैं। अब थर्ड बोल रहा है टास्क, लाइक्स द कलर ब्लू, हु लाइक्स द कलर ब्लू, जो नीला रंग पसंद करते हैं वो कौन है, माई सिस्टर, मैंने यहाँ पर लिखा माई सिस्टर। आप इसमें से किसी को भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टास्क कौन सा है, व्हाट वाला। व्हाट वाले में कह रहा है, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे क्या किया था। टिक द सूटेबल ऑप्शन, इनमें से एक सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। फिल द लास्ट ऑप्शंस आल्सो, और लास्ट का जो ऑप्शन है उसको भी फिल करना है, जो लास्ट का ऑप्शन है उसको भी फिल करना है। तो अब आप में से, आपने लास्ट संडे को क्या किया था, आई प्लेड ऑप्शन, सेकंड आई स्टडीड, थर्ड आई क्लीनड द हाउस। मतलब कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि आपने खेला था, दूसरा बोल रहा है कि आपने अध्ययन किया था या पढ़ाई की थी, और थर्ड बोल रहा है कि आपने अपना घर साफ किया था। तो इनमें से जो भी आपने किया है उसमें से आपको टिक लगा लेना है, ओके।
और लास्ट ऑप्शंस आल्सो क्या बोल रहा है, क्या देखा था आपने, फिल द लास्ट ऑप्शंस आल्सो कि आपने इसमें क्या किया था, इसमें आपको लिखना है और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में क्या था टिक लगाना है। तो इस तरीके से ये पहला टास्क भी हमने बता दिया हु है। पहला टास्क किससे संबंधित है, हु, WHO मीन्स कौन, कौन से संबंधित है, और सेकंड टास्क है व्हाट मतलब क्या, क्या से संबंधित क्वेश्चन आपसे किए गए हैं आपके बारे में जानने के लिए। अब जो टास्क सी, टास्क सी पहले टास्क ए था, टास्क बी, अब टास्क सी है, इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, इसमें किस बात के बारे में बताना है, वेयर इज योर स्कूल, इसमें पूछा है वेयर मतलब कहाँ के बारे में पूछा, कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, आप कहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो वेयर इज योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, आपका स्कूल कहाँ है उसके संबंध में आप यहाँ पर बताना है। तो अपना स्कूल है कौन सा है, मालवीय नगर है, और यहाँ पर लिख दिया है कृष्णा नगर है, तो आपका स्कूल जहाँ पर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वेयर वाला भी क्वेश्चन हो गया, व्हाट वाला भी हो गया, और हु वाला भी हो गया, दोनों ही इजी हैं। हु मीन्स कौन, व्हाट माने क्या, और वेयर माने कहाँ। अब इन लाइनों के बारे में जो टास्क डी है इसके बारे में तीनों के संबंधित अलग अलग दिया गया है। जो फर्स्ट वाला है वो हु से संबंधित है, और जो थर्ड सेकेंड वाला है वो व्हाट से संबंधित है, और जो थर्ड जो मेट्रो ट्रेन वाला है ये वेयर से संबंधित है। अब हम इसको हल करते हैं लाइन बाई लाइन तरीके से, तो रीड करते हैं इसको, क्या बोल रहा है टास्क डी, रीड द फॉलोइंग थ्री पैसेज एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन बिलो, कह रहे हैं कि आप इन पैसेज को पढ़िए, जो तीन पैसेज नीचे दिए गए हैं उनको पढ़िए और उनके आंसर नीचे जो है टेबल में लिखिए। तो पहले में क्या है, एक फार्मर दिखाया गया है, सेकंड में एक लड़की बैठी हुई है जो बैंक में काम कर रही है वो उसका फोटो दिया गया, तीसरे में मेट्रो का जो ड्राइवर है वो दिखाया गया है। तो अब वारी वारी से तीनों पैसेज को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पैसेज है उसमें एक किसान दिखाया गया है, किसान बैठा है अपनी फसल को रोप रहा है, फसल को मैनेज कर रहा है, ठीक है। और सेकंड पैसेज में एक लड़की बैठी हुई है, और थर्ड में मेट्रो ड्राइवर का दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले को, ही इज़ मिस्टर अनिल, वह मिस्टर अनिल है, ही इज़ ए फार्मर, वह किसान है, एंड लिव्स इन सहारनपुर, और कहाँ रहते हैं, सहारनपुर, सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स, वह अपने फार्म्स में सब्जियों को उगाता है। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, वह अपना काम सुबह को 5 बजे शुरू कर देता है, सुबह के 5 बजे अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन बोले, समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, जब कभी वह अपनी सब्जियों को सिटी में सेल करने के लिए जाता है, मतलब बेचने के लिए जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट पैसेज हो गया, जो मिस्टर अनिल एक फार्मर हैं उसके संबंध में बताया गया है। आप सेकंड पैसेज देखते हैं, सी इज मिसेस रोशनी, सी इज मिस रोशनी, यह मिस रोशनी है। सी वर्क्स इन ए बैंक, वह बैंक में कार्य करती है। सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। सी स्टार्ट्स हर वर्क 8-9 AM, वह अपना काम सुबह 9 बजे शुरुआत कर देती है। ऑन संडे सी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, ऑन संडेज सी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, वह रविवार को क्या करती है, पक्का खाना पकाती है और अपने मकान को या घर को साफ करती है, ठीक। तो इस प्रकार से ये दूसरा वाला भी पैसेज हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पैसेज पर, मेट्रो वाले पे, अब देखिए इसमें शुरू करते हैं। ही इज़ मिस्टर अब्दुल, वह मिस्टर अब्दुल है। ही वर्क्स एज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, वह दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर के रूप में काम करता है। ही स्टार्ट्स हिज वर्क 8-7 AM, वह अपना काम सुबह के 7 बजे शुरू कर देता है। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, वह ट्रेन को सुरक्षित तरीके से चलाता है।
इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन द सिनेमा हॉल नियर हिज होम। अब कह रहे हैं जब वह फ्री होता है तो वह फिल्म को देखता है कहाँ पर, अपने घर के पास के सिनेमा में फिल्म को देखता है, मीन्स मूवी को देखता है। जब उसके पास फ्री टाइम होता है, खाली होता है, तब तो वह अपने घर के पास के सिनेमा को देखता है। तो इस प्रकार से ये तीनों पैसेज आपके हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हमको अब हल करने हैं। फर्स्ट टेबल में क्या है हु, सेकंड टेबल में व्हाट और थर्ड टेबल में वेयर। तो बच्चों आपको तीनों ये पैसेज समझ में आ गए होंगे, बस अब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो लिखा है फर्स्ट में ही इज फार्मर, नहीं हु इज ए फार्मर, हु इज ए फार्मर, फार्मर कौन है, मिस्टर अनिल है। ओके, व्हाट डज ही ग्रो इन हिज फार्म, सेकंड टेबल में फर्स्ट लाइन की, व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, वह अपने फार्म में क्या उगाता है, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। ओके, और सेकंड टेबल में सेकंड रो में वर्क्स इन ए बैंक, हु वर्क्स इन ए बैंक, बैंक में काम कौन करता है, मिस रोशनी, यानी कि रोशनी जो है कहाँ काम करती है, बैंक में। थर्ड में, थर्ड रो में हु इज ए मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है, मिस्टर अब्दुल है। देखो ये पैसेज में लिखे हुए हैं आपके, बस यहाँ पर आपको फिल करना है केवल, ठीक है, हु का यूज करते हुए बस इनको फिल कर दो। सेकंड रो में, सेकंड टेबल में व्हाट डज ही ग्रो इन हिज फार्म, वह अपने फार्म में क्या उगाता है, वेजिटेबल्स सब्जियाँ। सेकंड, डज सी गो ऑन संडेज, क्या वह संडे को जाता है, संडे को जाती है, कौन, रोशनी। सी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, वह संडे को क्या करती है, खाना पकाती है और अपने घर को साफ करती है। डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, वह अपने फ्री टाइम में क्या करती है, करता है, ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन ए सिनेमा, कौन, अब्दुल जो है फ्री टाइम में क्या करता है, सिनेमा देखता है। ओके, अब वेयर वाले ऑप्शन में आते हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं, डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, तो क्या वह अपने, वह सब्जी को बेचने के लिए कहाँ जाता था, तो वह कहाँ जाता था, सिटी में जाता था अपनी सब्जियों को बेचने के लिए। डज सी लिव, सेकंड में, सेकंड रो में वह कहाँ रहती है, सी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। और थर्ड में डज ही गो टू वॉच ए फिल्म, वह वेयर डज ही, वह फिल्म देखने कहाँ जाता है, तो अपने घर के पास में फिल्म देखने जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।